NTAUGCNET, Unimaginet. Download it on Google Play Store. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों ICT के अंदर काफ़ी तरह की जनरल एब्रिविएशन और टर्मिनोलॉजी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को सही से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में हम उन जनरल एब्रिविएशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो पहले आ चुके हैं और जिनके आगे भी आने की संभावना जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है। और इसके साथ साथ आप एक बार सभी की सभी इन ये जो जनरल एब्रिविएशन है वो पढ़ जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि क्या पता कौन सी आ जाए, कुछ भी हम कह नहीं सकते। और अगर मैं एक एक पढ़ाने लग गया दोस्तों तो ये जो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी की सभी पढ़ लेना, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज्यादा फोकस करूंगा। दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर है इनसाइड कंप्यूटर पार्ट, जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं उनके ऊपर किस तरह की जनरल एब्रिविएशन होते हैं उन पे हम बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है हमारे सेकंड नंबर पे BIOS, ये जो है पहले भी पूछी जा चुकी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पहले आ चुकी है। अब देखिए इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये हमें याद रखना ज़रूरी है। और आगे दोस्तों हमारे पास DNS, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब होता है दोस्तों डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर भी इसे कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों DPI, डॉट पर इंच, और आगे दोस्तों हमारे पास DVI यानी कि डिजिटल विजुअल इंटरफेस, और फिर है दोस्तों हमारे पास FAT फाइल एलोकेशन टेबल। तो इस तरह की जो एब्रिविएशन है ये हमें करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, और ये सभी की सभी आप पढ़ जरूर लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास जैसे कि एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GB का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट होता है, ये हम बेसिक चीज़ें ये हमें पता होना चाहिए। और आगे जैसे ये है GUI, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ये आप ध्यान में रख लेना। और आगे जैसे कि ये है MBPS क्या होता है, KBPS क्या होता है, ये सभी हमें पता होनी चाहिए, और ये नॉर्मली सभी को पता होती है, मेगाबाइट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड। और आगे हम देखते हैं एक है दोस्तों MHz, मेगाहर्ट्ज़ ये होता है, और फिर है दोस्तों MP3 का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3 ऑडियो, ये हमें पता होना ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है और ये आने की संभावना होती है। एक ये देखिए दोस्तों MPEG, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है इसको। और फिर है दोस्तों हमारे पास NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल ट्रांसफ़र। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये जो हमारे कलर वगैरह जो होते हैं उनके बारे में होते हैं कंप्यूटर के अंदर। और उसके बाद है जैसे दोस्तों हमारे पास आगे देखते हैं हम, आगे ये देखिए AMD, एक हमें ये पता होना चाहिए AMD का मतलब क्या होता है, एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। और उसके बाद में जैसे CD के बारे में हमें पता होना चाहिए, कम्पैक्ट डिस्क होता है। और एक ये क्वेश्चन आया है दोस्तों पहले, CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन शायद मेरे को लग रहा है 2018 में या 19 में आया है, मेरे को ध्यान में है ऐसा। और CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल होता है इसका मतलब। और फिर है दोस्तों एक कंप्यूटर की भी हमें पता होना ज़रूरी है, ये कई जो अदर एग्ज़ाम है उनके अंदर ये एब्रिविएशन पूछी जा चुके हैं। इसका मतलब है कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आगे दोस्तों हमारे पास CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और फिर है हमारे दोस्तों अब हम बात करते हैं DVD से रिलेटेड जो हमारी एब्रिविएशन है उन पे। अब देखिए DVD से रिलेटेड काफ़ी तरह की यहाँ पे एब्रिविएशन है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DVD का मतलब क्या है। DVD का मतलब है दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क होता है, और DVD रैम का मतलब है, रैम का जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि रैंडम एसेस मेमोरी। तो ये क्या है कि दो दो जो एब्रिविएशन है उनको जोड़ के बनाई गई है, जैसे कि नीचे है DVD रोम,
रोम डीवीडी का हमने पढ़ लिया और रोम का हमने पढ़ा था ऊपर रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये सभी की सभी आप एक बार देख लेना, बिल्कुल आसान है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास जैसे कि ये है HDD, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका मतलब होता है। और फिर है दोस्तों LCD, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा जून 2019 के अंदर भी आया था। LCD जो हमारा पहली जो शिफ्ट थी उसी के अंदर मॉर्निंग में ये पेपर आया था। तो इसका मतलब है LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका मतलब होता है। और फिर है दोस्तों LED का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और रैम का हमने पढ़ ही लिया। और उसके बाद दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि HDMI का मतलब क्या होता है। HDMI का मतलब होता है दोस्तों हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस होता है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों और हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, FDD का मतलब है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और आगे देखते हैं आगे कौन सी है हमारे पास आगे, जैसे कि हाँ ये जो है दोस्तों ये भी काफ़ी बार आ चुका है USB। USB का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और फिर है VGA का मतलब है वीडियो ग्राफिक एरे। और फिर है VG रैम वीडियो रैंडम एसेस मेमोरी, या जहाँ पे रैम आ जाए तो उसका मतलब ज़्यादातर यही होगा दोस्तों रैंडम एसेस मेमोरी। और रोम का मतलब होगा रीड ओनली मेमोरी। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास SSD सॉलिड स्टेट डिस्क, ये भी क्वेश्चन आया था। और फिर है दोस्तों हमारे पास SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। दोस्तों ये सभी चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करना, और अगर मैं इनको समझाने लगूँ कि SMPS क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये जो वीडियो घंटों में जाके बनेगी। तो शायद कुछ कुछ दोस्तों को पता होगा कि SMPS क्या होता है। SMPS वो होता है जिसके अंदर से लाइट की वायर लगती है। और आगे हम देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी है, आगे जैसे कि नेटवर्क से रिलेटेड कौन कौन सी है ये आप देख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए 2G क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G और 5G क्या होता है। 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं 4G कहते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है FTP। FTP का मतलब होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसमें से क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हैं हमारे पास जैसे कि LAN। अब LAN के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और इसके बारे में LAN WAN MAN जो है 3 से 4 तरह की जो एरिया नेटवर्क है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, अच्छे से समझाएंगे कि इनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी आप केवल इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और फिर है दोस्तों IMAP इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल होता है। और फिर है GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और GPRS जनरल पैकेज रेडियो सिस्टम। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और देखते हैं दोस्तों और हमारे पास कौन सी है, जैसे कि अब देखते हैं हमारे पास MAC है। MAC का मतलब है मीडिया एसेस कंट्रोल। MAN का मतलब है मेट्रोपोलिटेनियन एरिया नेटवर्क। फिर है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फिर है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। PPP का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी आप एक बार देख लेना। और उसके बाद है जैसे अपनी आगे है, ये सभी नेटवर्क से रिलेटेड है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आया है। और फिर है VPN भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर है WAN वाइल्ड एरिया नेटवर्क। फिर है WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और आगे हम देखते हैं जैसे आगे है हमारे पास वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी। और फिर है WLAN का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास इसके अलावा कुछ अदर जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में हम बात करते हैं। ATM का मतलब है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आगे है हमारे पास दोस्तों IEEE इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये हमें पता होना ज़रूरी है। और फिर है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
और उसके बाद और भी है हमारे पास काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों, उन पर एक बार एक नज़र दौड़ा लेते हैं। अब देखिए, पीसी, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। सीपीयू का हमने पढ़ा था पहले, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूपी। और उसके बाद जैसे रैम का हमने पढ़ लिया, रोम का पढ़ लिया, एलसीडी का पढ़ लिया, एलईडी का पढ़ लिया, और एनटीएफएस का भी हमने पढ़ लिया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। और एक हमारा इसके अंदर जैसे फैट है, फैट का हमें ये भी हमने पढ़ लिया। फिर डॉक, डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। ये सभी चीज़ें जैसे सीडी है, ये भी हमने पढ़ ली। एसडी का हमें पता होना चाहिए, सिक्योर डिजिटल। और आगे हम देखते हैं, आगे भी अगर कोई है तो आगे ये सभी हमने पढ़ी हुई है दोस्तों। जैसे कि डीवीडी पढ़ लिया हमने, आईएएस पढ़ लिया, और डीवी डेटाबेस हो गया, एसवाईएस ये भी हमने देख लिया, और फिर डेल डिलीट हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे अगर कोई और है तो उसके अंदर WMP विंडो मीडिया प्लेयर, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। और TMP टेम्प्रेरी होता है। और आगे हम देखते हैं, हाँ आगे ये चीज़ें हमने वैसे पढ़ ली, लेकिन फिर भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फेज 3, MPEG 3 भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये आप एक और पढ़ लेना। और एक और इसके अंदर जैसे JPG है, JPG काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, AVI। आगे दोस्तों हमारे पास WMV, ये भी हमने पढ़ लिया। फिर GIF, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से पहले क्वेश्चन आया है। ग्राफिक्स इंटरचेंजिंग फॉर्मेट होता है इसका मतलब। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे आगे आप दोबारा से ये देख सकते हैं इनमें से भी, जैसे डोमेन DNS, ये भी हमने दे दिया। हाँ एक चीज़ और यहाँ पे, ये देखिए ये नई चीज़ आई है, HTTP, इसका मतलब होता है दोस्तों हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, HTTPS, इसमें से ये क्वेश्चन हमारा आया था शायद जून 2019 के अंदर ही आया है। HTTPS का मतलब है दोस्तों हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मतलब ये होता है। जैसे कि आप कई बार वेबसाइट खोलते हो तो उनमें कईयों में तो होता है HTTP होता है, और कईयों में HTTPS होता है। HTTPS वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लेन देन किया जाए, जैसे Amazon है, Amazon पे जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, तो जहाँ पे पेमेंट की बात आए वहाँ पे होगा HTTPS यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास HTML, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और उसके बाद जैसे PHP आप पढ़ लेना। और फिर है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका मतलब है। तो ये सभी आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद है जैसे CC, हाँ ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसका मतलब होता है दोस्तों। और जैसे आगे है SQL, SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और फिर है WWW, ये भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका मतलब होता है। और आगे देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये जैसे आप एक बार पढ़ सकते हैं, SEO, CEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आप ध्यान देना। और फिर है हमारे पास MMS, ये भी एक क्वेश्चन आया था पहले दोस्तों, मल्टीमीडिया सर्विस, इसका मतलब होता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास कोई और इम्पोर्टेंट है तो ये हमने पढ़ ली। हाँ एक चीज़ और, गूगल, गूगल का वैसे नहीं पूछ सकते आप, फिर भी पढ़ लेना गूगल का मतलब क्या होता है, याहू का, इंटेल का, और LG का, ये वैसे नहीं पूछ सकते। हाँ ये पूछ सकते हैं दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसका मतलब होता है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इनमें से क्वेश्चन आया है दोस्तों जून 2019 में, इनमें से क्वेश्चन आया है, और 17 में भी इसमें से क्वेश्चन आया है। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये दोनों एब्रिविएशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ICT जर्नल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, और हमने पूरी पूरी कोशिश की है कि हम आपको सभी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन करवाएं, लेकिन अगर फिर भी इनमें से कोई चीज़ छूट जाती है तो हम आगे की वीडियो में आपको करवाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन है आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए।